गुड मॉर्निंग दोस्तों, शुभ प्रभात, हर हर महादेव। मेरे पीछे आप देख सकते हैं चार्टर्ड फ्लाइट हमारा वेट कर रही है और हम अभी मौजूद हैं नेपालगंज एयरपोर्ट पर। आज 13 मई 2024 दिन सोमवार, आज हम भोले बाबा जी के दर्शन करने श्री कैलाश मानसरोवर जा रहे हैं। मेरे साथ साथ यहां पर काफी सारे श्रद्धालु देखिए अपना अपना बोर्डिंग पास लेकर फ्लाइट की ओर बढ़ रहे हैं। सभी श्रद्धालुओं के साथ आज हम भोले बाबा जी के दर्शन करने श्री कैलाश मानसरोवर जा रहे हैं। आज आप भी हमारे साथ घर बैठे भोले बाबा जी के दर्शन कीजिए। इस यात्रा की पूरी जानकारी हम वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं, वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। आप भी अगली श्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा में शामिल होकर भोले बाबा जी के दर्शन कर सकते हैं। यात्रा से जुड़ी सभी तरह की जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये जो यात्रा होती है श्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा रुद्रा ट्रैक कंपनी के द्वारा करवाई जाती है। आप भी रुद्रा ट्रैक कंपनी के दिए हुए नंबर पर कॉल करके अपनी सीट बुक करवा सकते हैं। सभी श्रद्धालुओं को चार्टर्ड फ्लाइट के द्वारा ले जाया जाता है श्री कैलाश मानसरोवर के दर्शन करवाने। तो चलिए हम भी बढ़ते हैं आगे की ओर और फ्लाइट में बैठकर चलते हैं भोले बाबा जी के दर्शन करने। हर हर महादेव। वीडियो को शुरू करने से पहले हम आप सभी भक्तों से कहना चाहते हैं, अगर आपने श्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा का पार्ट वन नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि जब आप पार्ट वन देखेंगे तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। और आज आप पार्ट टू में श्री कैलाश मानसरोवर के दर्शन करने वाले हैं। पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को पूरा देखें। पार्ट वन वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके पार्ट वन देखना ना भूलें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट में लिख दीजिए हर हर महादेव। तो चलिए शुरू करते हैं श्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा का पार्ट टू, हर हर महादेव। सो दोस्तों, आज की यात्रा शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, इस यात्रा को जो लीड कर रहे हैं, इस यात्रा को जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं हमारे बड़े भाई रुपेश जी, आज इनका जन्मदिन है। और सबसे पहले हम हमारे बड़े भाई जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भोले बाबा जी ओम नमः शिवाय। और भोले बाबा जी का दिन है, देखिए आज सोमवार का दिन और आज के दिन हमारे बड़े भाई रुपेश जी का जन्मदिन है। तो आप कमेंट सेक्शन में रुपेश जी को बर्थडे विश करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा अपनी विशेष भेजें। और आज हम आपको भोले बाबा जी के दर्शन करवाने वाले हैं। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, एयरपोर्ट अथॉरिटी से कॉल आ चुका है कि सभी श्रद्धालुओं को लेकर एयरपोर्ट पहुंच जाइए। और देखिए वो शुभ घड़ी आ चुकी है, आज आप हमारे साथ साथ भोले बाबा जी के दर्शन करने वाले हैं। बोलो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। एक बार फिर से आपको हैप्पी बर्थडे और भोले बाबा जी आपकी सारी मनोकामना पूरी करे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः। सुबह सुबह 5 बजे जब हम होटल की लॉबी में पहुंचे तो हमने देखा हमसे पहले काफी सारे श्रद्धालु होटल की लॉबी में पहुंचकर हमारा इंतजार कर रहे थे। सभी को इंतजार था कि कब उन्हें देवों के देव श्री महादेव जी के दर्शन होंगे। और वो शुभ घड़ी आ गई थी, हर हर महादेव। और बस अभी इंतजार नहीं हो रहा है, सच में क्या बताया आपको। जैसे ही हमें पता चला कि एयरपोर्ट अथॉरिटी से फोन आया है और बस मन के अंदर बहुत ज्यादा खुशी है कि अब आज हमें देखिए भोले बाबा जी के दर्शन होंगे। सोमवार का दिन है, भोले बाबा जी का दिन है। बस अभी हम थोड़ी देर में यहाँ से होटल से निकलने वाले हैं। गाड़ियां हमारी आ चुकी है, एक एक करके सभी श्रद्धालु भी अब पहुंच रहे हैं लॉबी में। सभी श्रद्धालुओं को लेकर अभी निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। आप भी हमारे साथ चलिए और आपको भी आज दर्शन होने वाले हैं भोले बाबा जी के, देवों के देव श्री महादेव जी के दर्शन प्राप्त करके जो सुकून मिलता है, बस हम आपको क्या बताएं। सच में मैं बता नहीं सकता, जब मैंने पिछली बार भोले बाबा जी के दर्शन किए थे कितना ज़्यादा सुकून मिला था। बस वो मन से तो हमने दर्शन कर लिए हैं, मन से हम अभी भी भोले बाबा जी के उस सुंदर रूप को देख पा रहे हैं, बस इन आँखों से देखना अभी बाकी है। और चलिए आपको भी हम दर्शन करवाएंगे। बोलो हर हर महादेव। हमारे साथ हमारी माता जी हैं और आज माता जी का भी आशीर्वाद हमारे साथ है।
और भोले बाबा जी के दर्शन आज हो जाएंगे? बिल्कुल होंगे, 100% होंगे। आज भोले बाबा जी ने बुला लिया है और देखिए इधर हमारे कैप्टन साहब और क्रू मेंबर सभी अभी अपना अपना लगेज लेकर अभी एयरपोर्ट की तरफ निकल रहे हैं, गाड़ी में बैठ चुके हैं। ये देखिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि कैप्टन साहब भी हमारे साथ इसी होटल में रुके हुए थे और अभी निकल चुके हैं, और फिर अब थोड़ी देर बाद बस हम भी निकलने वाले हैं और माता जी के साथ हम करेंगे भोले बाबा जी के दर्शन। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। और देखिए एक एक करके सभी श्रद्धालु आने लगे हैं और सभी श्रद्धालुओं के चेहरे पर मुस्कान है, सभी मन ही मन भोले बाबा जी का ध्यान कर रहे हैं। हर हर महादेव। आज आप सभी भक्तों के साथ साथ हमें भी भोले बाबा जी के दर्शन प्राप्त होने वाले हैं। हर हर महादेव। और लीजिए एयरपोर्ट आ चुके हैं, ये हमारा एयरपोर्ट है। लीजिए अभी हम एयरपोर्ट के अंदर एंटर करने वाले हैं। ये लीजिए हर हर महादेव। और हमारे सर भी देखिए वहां पर पहुंच चुके हैं और बस अभी दर्शन करने वाले हैं। सच में बहुत ज्यादा आनंद आने वाला है। और चलिए अभी आपको दर्शन करवाते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए हमारे साथ सर मौजूद हैं। सर आज बहुत बड़ी खुशखबरी है, इन्होंने हमें सुबह सुबह खुशखबरी दे दी कि आज हमें भोले बाबा जी के दर्शन प्राप्त होने वाले हैं और इनकी कड़ी मेहनत और सच्ची श्रद्धा की वजह से आज हम देवों के देव श्री महादेव जी के दर्शन करने वाले हैं। और सूर्य देवता की भी अनुकम कृपा है, आज मौसम साफ है। कल थोड़ा सा श्रद्धालु मायूस हो गए थे, लेकिन शायद भोले बाबा जी की यही मर्जी थी कि उनके पावन दिन सोमवार के दिन हम भोले बाबा जी के दर्शन करें, और आखिरकार वो पल आ चुका है, अभी हम दर्शन करने वाले हैं। बोलो हर हर महादेव। यहाँ मेरे पीछे देखिए लिखा हुआ है नेपालगंज एयरपोर्ट। ये ज्यादा बड़ा एयरपोर्ट तो नहीं है, यहाँ से सिर्फ लोकल जो डोमेस्टिक फ्लाइट है वो ही यहाँ से टेक ऑफ करती हैं, और बस अभी कुछ ही पलों में हम फ्लाइट के अंदर बैठकर और फिर चलेंगे श्री कैलाश मानसरोवर के दर्शन करने, और आपको भी हम करवाने वाले हैं। और आप कमेंट में एक बार भोले बाबा जी का कोई भी प्यारा सा मंत्र लिख दीजिए जो भी आपको आता है, और फिर आप और हम भोले बाबा जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाएंगे। बोलो हर हर महादेव। आज 13 मई 2024 दिन सोमवार भोले बाबा जी का दिन है। इस पावन दिन पर हम और आप भोले बाबा जी के दर्शन करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप भी श्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना चाहते हैं, भोले बाबा जी के दर्शन करना चाहते हैं, तो इसकी सारी डिटेल मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर दिए हुए नंबर पर कॉल करके अपनी टिकट, अपनी सीट बुक करवा लीजिए, जिससे आपको भी भोले बाबा जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो। तो चलिए ज्यादा देरी नहीं करते हैं, चलते हैं, अपने बोर्डिंग पास ले लेते हैं। हर हर महादेव। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात। जैसे ही हम एयरपोर्ट पर पहुँचे, हमें अपना बोर्डिंग पास लेने के लिए बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना पड़ा, ना ही किसी श्रद्धालु को लाइन में लगना पड़ा, क्योंकि रुद्रा होलीडेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से जो मैनेजमेंट जो किया गया है, जो अरेंजमेंट जो की गई थी, वो बहुत ही अच्छी थी। किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना आए, इसीलिए सभी के बोर्डिंग पास पहले ही ले लिए गए थे, और एयरपोर्ट पर पहुंचते ही सभी को उनके बोर्डिंग पास दे दिए गए। बोर्डिंग पास लेने के बाद सभी श्रद्धालु भोले बाबा जी का जयकारा लगाते हुए बढ़ने लगे फ्लाइट की ओर। आप श्रद्धालुओं के चेहरे पर मुस्कान देख सकते हैं, सभी श्रद्धालु काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। आप भी अगली यात्रा में शामिल हो सकते हैं। रुद्रा होलीडेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा श्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा करवाई जाती है। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं, अपनी सीट अभी से बुक करवा लीजिए। हर हर महादेव। और लीजिए अभी हम बढ़ रहे हैं आगे फ्लाइट की ओर, फ्लाइट की तरफ जा रहे हैं, और अभी सभी श्रद्धालु फ्लाइट में बैठकर अभी दर्शन करेंगे। फ्लाइट हमारी थोड़ी देर बाद टेक ऑफ करेगी। और लीजिए एयरपोर्ट पर हम पहुंच चुके हैं, और ये मेरे पीछे हमारी फ्लाइट खड़ी है, और बाकी श्रद्धालु देखिए आगे चल रहे हैं अभी, और अभी हम आप सभी को भी दर्शन करवाने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहें, बस आप वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी ना जाएं, ताकि आपको भी भोले बाबा जी के दर्शन प्राप्त हो। चलिए अभी हम चलते हैं आगे, और सामने देखिए, सामने फ्लाइट खड़ी है, और श्रद्धालु एक एक करके बड़े प्यार से देखिए बढ़ रहे हैं आगे की ओर। हर हर महादेव। और पीछे भी देखिए काफी सारे श्रद्धालु आ रहे हैं, और सभी बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत ज्यादा।
क्योंकि अभी वो समय आ चुका है जब हमें भोले बाबा जी के दर्शन प्राप्त होंगे। आज दिन सोमवार, भोले बाबा जी का दिन है और बड़े सौभाग्यशाली हैं हम कि आज भोले बाबा जी के दिन सोमवार को हमार को आप सभी को भोले बाबा जी के दर्शन प्राप्त होंगे। हर हर महादेव। फ्लाइट में बैठने से पहले रुद्रा कंपनी की तरफ से सभी श्रद्धालुओं को भोले बाबा जी के आशीर्वाद स्वरूप रुद्राक्ष माला दी गई। यहाँ पर देखिए अभी रुद्रा ट्रैक कंपनी के द्वारा सभी श्रद्धालुओं को रुद्राक्ष माला पहनाई जा रही है। रुद्राक्ष माला यानी भोले बाबा जी का आशीर्वाद। मेरे पीछे ये हमारी फ्लाइट खड़ी है, इसमें अभी बैठकर हम जाने वाले हैं भोले बाबा जी के दर्शन करने। आप भी अगर अगली इस यात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने रुद्रा ट्रैक कंपनी की सारी डिटेल दे दी है। आप इनके दिए हुए नंबर पर कॉल करके अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। अगली जो यात्रा है वो जल्दी ही जाने वाली है। अगली यात्रा में कुछ ही सीट अभी बाकी है, जल्दी से अपनी सीट बुक करवा लीजिए। कहीं ऐसा ना हो जब आप कॉल करें अपनी सीट बुक करवाने के लिए तब तक सारी सीट फुल हो जाएं। इसीलिए जल्दी से जल्दी कॉल कीजिए और कॉल करते समय हमारा कूपन कोड यात्रा लाइफ यूज करना ना भूलें। तो चलिए हम भी अभी फ्लाइट में बैठ जाते हैं, फ्लाइट में बैठकर आपको करवाएंगे भोले बाबा जी के दर्शन। हर हर महादेव। ये हमारा बोर्डिंग पास है और चलिए अभी हम भी सभी श्रद्धालुओं के साथ फ्लाइट में बैठते हैं। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। शिव शंभो। तो चलिए अभी हम भी फ्लाइट के अंदर बैठते हैं, चलिए चलते हैं। हर हर महादेव। और बुलावा आ गया है, हर हर महादेव। चलिए चलते हैं, चलिए चलते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। चलिए चलिए चलिए। हर हर महादेव। और मेरे पीछे चलिए हम भी अभी फ्लाइट के अंदर आ गए हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। चलिए देखिए फ्लाइट के अंदर आ चुके हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। देखिए सभी श्रद्धालुओं को हर हर महादेव। शिव शंभो। आप सभी श्रद्धालु बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आज सोमवार के दिन भोले बाबा जी का आज दिन है। आप सभी श्रद्धालुओं को भोले बाबा जी ने बुलावा भेजकर अपने दर्शन देने के लिए बुलाया है। आप सभी मन से भोले बाबा जी के दर्शन करें और अभी आपको कुछ ही देर बाद भोले बाबा जी के बड़े ही सुंदर रूप के दर्शन होंगे। भोले बाबा जी का जाप करते रहें। जो भी मंत्र आपको भोले बाबा जी का आता है, मन ही मन भोले बाबा जी का जाप आप करते रहें। और भोले बाबा जी से हम यही अरदास करते हैं, उनकी श्री चरणों में यही कामना करते हैं कि आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करें। जो भी मनोकामना लेकर आप भोले बाबा जी के दर्शन करने आए हैं, भोले बाबा जी आपकी सभी मनोकामना पूरी करें। बोलो हरे 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 महादेव। शिव शंभो। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे 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 महादेव। शिव शंभो। और लीजिए फ्लाइट हमारी टेक ऑफ करने के लिए रेडी है। सभी श्रद्धालुओं के मन में बहुत ही ज्यादा खुशी है। आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका सभी को बड़ा बेसब्री से इंतजार था। भोले बाबा जी के दर्शन करने के लिए बहुत उत्सुक थे। कुछ ही देर बाद हम आपको भोले बाबा जी के दर्शन करवाने वाले हैं। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी ना जाएं क्योंकि अब आपको देवों के देव श्री महादेव जी के दर्शन होने वाले हैं। कमेंट में आप भोले बाबा जी का एक प्यारा सा मंत्र लिखना ना भूलें। बोलो हर हर महादेव। चलिए जी हम बैठ गए अपनी सीट पर। विंडो सीट सभी श्रद्धालुओं को दी गई है और विंडो सीट से हम दर्शन करेंगे भोले बाबा जी के। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। और लीजिए हम तो उड़ चले भोले बाबा जी के दर्शन करने के लिए। सभी भक्तों ने एक साथ मिलकर
भोले बाबा जी का जयकारा लगाया और भोले बाबा जी का जाप करते हुए अब हम आप सभी श्रद्धालुओं के साथ पहुंचेंगे देवों के देव श्री कैलाश मान सरोवर, जहां पर आप सभी भक्त घर बैठे भोले बाबा जी के दर्शन करने वाले हैं। हर हर महादेव। तो अभी देखिए थोड़ी देर बाद हमें भोले बाबा जी के दर्शन प्राप्त होने वाले हैं। हम ऑलमोस्ट लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर आ चुके हैं और अभी जल्दी ही हमें देवों के देव श्री महादेव जी के दर्शन प्राप्त होंगे और सभी भक्त बहुत ही ज्यादा खुश हैं। सभी भक्त मन ही मन भोले बाबा जी का जयकारा लगा रहे हैं और अभी बस कुछ ही देर बाद भोले बाबा जी के दर्शन होने वाले हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अभी आप जो सुंदर नजारा देख रहे हैं ये किसी स्वर्ग से कम नहीं है। सभी श्रद्धालु विंडो से बाहर देखते हुए भोले बाबा जी के दर्शन प्राप्त करने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक नजर आए। हर तरफ सफेद बर्फ की चादर से ढके हुए पर्वतों के बीच श्री कैलाश मानसरोवर पर्वत के दर्शन करने के लिए सभी श्रद्धालु इधर उधर देखने लगे और आखिरकार हमें देवों के देव श्री महादेव जी के दर्शन हो गए। कमेंट में आप हर हर महादेव लिख दीजिए, घर बैठे आपको श्री कैलाश मानसरोवर के दर्शन हो रहे हैं। बहुत ही सौभाग्य की बात कि देवों के देव श्री महादेव जी ने हमें बहुत ही सुंदर दर्शन दिए और घर बैठे आपको भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कमेंट में एक बार हर हर महादेव लिख दीजिए। भोले बाबा जी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। सभी श्रद्धालु विंडो से बाहर देखने लगे ताकि उनको फिर से एक बार भोले बाबा जी के दर्शन हो पाएं। आपको बता दें रुद्रा कंपनी की तरफ से इतना अच्छा अरेंजमेंट किया गया कि सभी श्रद्धालुओं को एक नहीं दो नहीं तीन तीन बार भोले बाबा जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पायलट ने फ्लाइट को दोबारा से टर्न किया और श्री कैलाश मानसरोवर के दोबारा से दर्शन करवाए गए। सभी श्रद्धालुओं को तीन बार भोले बाबा जी के दर्शन प्राप्त हुए। इसके लिए हम रुद्रा हॉलीडेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सभी श्रद्धालुओं की तरफ से और अपनी तरफ से दिल से धन्यवाद करते हैं। देखिए सभी श्रद्धालु कैसे विंडो से बाहर देख रहे हैं और बड़े ही प्यारे महादेव जी के दर्शन हो रहे हैं। सभी श्रद्धालु बहुत ही उत्सुक। आपको दर्शन हो गए जी? कैसे दर्शन हुए? बहुत प्यारे दर्शन हुए। हर हर महादेव। हाँ जी आपको दर्शन हो गए? हर हर महादेव। देखिए सभी श्रद्धालु विंडो से बाहर देख रहे हैं और महादेव के दर्शन कर रहे हैं और फिर से एक बार भोले बाबा जी के दर्शन सभी को हो रहे हैं। हैप्पी बर्थडे रुकेश। और हमारे बड़े भाई जी यहाँ पर हैं। और देखिए आज इनका जन्मदिन है, आज इनका जन्मदिन है और जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और देखिए सभी विंडो से बाहर देखकर आपको दर्शन हो गए जी? हर हर महादेव। कैसे दर्शन हुए? कैसे दर्शन हुए? हर हर महादेव, हर हर। बोले बाबा आपकी सभी मनोकामना पूरी करे। हर हर महादेव। हाँ जी कैसे दर्शन हुए जी आपको? आनंद आ गया जी? ओ हर हर महादेव। देखिए सभी भक्तों के मन में देखिए आज जीवन धन्य हो गया। भोले बाबा जी के दर्शन हुए। सोमवार के दिन भोले बाबा जी के दर्शन हुए। आपको दर्शन हो गए जी? कैसे दर्शन हुए? आनंद आ गया। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जीवन में कभी नहीं भूलने वाले दर्शन। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सच में बस और कोई जीवन में किसी चीज की और इच्छा नहीं है। भोले बाबा जी के दर्शन हो गए, स्वर्ग के दर्शन हो गए, देवों के देव परमपिता परमात्मा के दर्शन हो गए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए सभी हर हर देव शिव शंभो कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी शंभो तारे तारे तो, शंभो तारे तारे तो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी शंभु तारे तारे तो। देखिए आपको दर्शन हुए? दर्शन की बोलो हर हर महादेव। अब पूरा जोर लगा दो। हर हर महादेव। क्या बात है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।
भोले बाबा जी से जो मांगना है मांग लो, आप भोले बाबा जी ना आपकी झोलियां भर कर भेजेंगे। हर 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 महादेव, संतुष्टि है तो बोलो हर हर महादेव। सभी को बहुत अच्छे दर्शन हुए, भोले बाबा जी ने सभी की, भोले बाबा जी सभी की मनोकामना पूरी करे। और आज तो वैसे भी भोले बाबा जी का दिन है, सोमवार के दिन भोले बाबा जी ने आपको दर्शन दिए। हरे हरे महादेव। और देखिए सबसे सबसे खुश नसीब हमारे बड़े भाई जो कि आज अपने जन्मदिन के अवसर पर भोले बाबा जी के दर्शन कर रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और चलिए जी अब हम वापसी नेपालगंज की ओर बढ़ रहे हैं। दर्शन हो गए हैं, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हेलो जयंत, हेलो बबली, हेलो। और मैंने भोले बाबा जी के दर्शन कर लिए हैं और अभी आपको भी मैं दर्शन करवाऊंगा। जयंत, भोले बाबा जी, भोले बाबा जी के बहुत ही सुंदर दर्शन हुए, बहुत ही प्यारे दर्शन हुए। सोमवार के दिन भोले बाबा जी ने हमें अपना आशीर्वाद दिया। हर 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 महादेव, शिव शंभो, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। मैं कुछ आप कहना चाहता हूँ। देखिए दर्शन दर्शन किए हैं और दर्शन का भाव देखिए इनकी आंखों से साफ झलक रहा है। ये भोले बाबा जी के प्रति इनका प्यार है, श्रद्धा है, भाव है। और ऐसे ही भोले बाबा जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। भोले बाबा जी जल्दी जल्दी आपको फिर से ऐसे ही दर्शन देने के लिए बुलाए। हर हर महादेव। और फाइनली पहुंच चुके हैं नेपालगंज एयरपोर्ट पर भोले बाबा जी के दर्शन करके। भोले बाबा जी के दर्शन करके फाइनली हम हर हर महादेव नमस्ते। और लीजिए फ्लाइट से हम बाहर आ गए हैं भोले बाबा जी के दर्शन करके। हरे 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 महादेव, शिव शंभो, बहुत ही प्यारे दर्शन हुए, बहुत प्यारे दर्शन हुए। हर हर महादेव। मेरे पीछे देखिए बाकी श्रद्धालु भी अभी नीचे आ रहे हैं भोले बाबा जी के दर्शन करके। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और ये हमारी चार्टर्ड फ्लाइट है जिसके अंदर अभी हम भोले बाबा जी के दर्शन करने श्री कैलाश मानसरोवर गए थे। और अभी एक एक करके सभी यात्री, सभी श्रद्धालु फ्लाइट से बाहर आ रहे हैं। और सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कृपया यहीं खड़े रहें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप भी अगली इस यात्रा में शामिल होकर कैलाश, श्री कैलाश मानसरोवर के दर्शन जरूर करें। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत ये यात्रा होने वाली है। अगली इस यात्रा में शामिल होकर भोले बाबा जी के दर्शन करें। हर हर महादेव। रुद्रा हॉलीडेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भक्तों को श्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा तो करवाती ही है, साथ ही साथ भक्तों को आदि कैलाश, ओम पर्वत, केदारनाथ, अमरनाथ की भी यात्रा करवाते हैं। आप रुद्रा हॉलीडेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर आप अगली श्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना चाहते हैं। तो आपको दर्शन करके कैसा लगा जी? कैसा लगा आपको दर्शन करके? यात्रा में आनंद आ गया? आनंद आ गया, रुद्र आ गया, जीवन सफल हो गया। हमारी दोनों माँ है जो ये रुद्रा हॉलीडेज प्राइवेट कंपनी है, ये आपको इस यात्रा पर लेकर आए हैं। तो इस कंपनी के बारे में, रुद्रा हॉलीडेज प्राइवेट लिमिटेड के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इनके जैसा नाइस पर्सन कोई नहीं है। इन्होंने अपने कमिटमेंट पूरा करा। लास्ट ईयर हमारे पैसे भी जैसे एडवांस गए थे, कैंसिल हो गया, तो इन्होंने पूरे पैसे रिटर्न करे बाय ईमानदारी। और अब की बार भी किसी वजह से टर्बुलेंस आई तो इन्होंने फ्रंट मांग के सारा कमीशन करवाया। और भोले बाबा का इनके ऊपर बहुत साक्षात आशीर्वाद है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ट्रैवल एजेंसी सभी को मिले। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो आपने भी अभी भोले बाबा जी के दर्शन किए और रुद्रा हॉलीडे प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से ये यात्रा करवाई गई थी, तो आप रुद्रा हॉलीडे प्राइवेट लिमिटेड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी यात्रा का एक्सपीरियंस शेयर। बहुत आनंद रहा, खूब व्यवस्था, बहुत सुंदर, बहुत आनंद। जो लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं, ये यात्रा की वीडियो देख रहे हैं, उनको कुछ सजेशन आप देना चाहेंगे? रुद्रा हॉलीडेज की तरफ। हर हर महादेव। आपने अभी दर्शन किए श्री कैलाश मानसरोवर के दर्शन करके, अभी आप आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? तो जिन्होंने, जो लोग आपको इस यात्रा पर लेकर आए थे रुद्रा हॉलीडे प्राइवेट लिमिटेड,
इनकी तरफ से जो कहा गया वो हर चीज, वो पूरी कमिटमेंट जो कहा इनकी तरफ से किया गया था वो सभी अच्छे से हुआ? रुद्रा ट्रैक जो कंपनी है जो ये यात्रा करवाती है, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे से हुए। हर हर महादेव सर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपको बहुत ही सुंदर दर्शन प्राप्त हुए रुद्रा हॉलीडे प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। जैसे कि आपको पता है ये यात्रा करवाई गई थी, तो आप इस कंपनी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपना एक्सपीरियंस जो भी आप बताना चाहते हैं कि आपकी यात्रा कैसी रही? बहुत अच्छी रही हमारी यात्रा और बहुत अच्छा दर्शन भी हुआ हमारा। तो कंपनी के जो मैनेजमेंट के लोग हैं, रुद्रा कंपनी को जो इनके मैनेजमेंट की जो टीम है, उनकी तरफ से जो भी आपको प्रॉमिस किया गया था यात्रा में, किसी तरह की कोई दिक्कत आपको? सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। होटल्स में रूम आपको कैसे रूम मिले? फाइव स्टार होटल था। लखनऊ से नेपालगंज आते हुए कोई दिक्कत? पूरी यात्रा सफल हो गई? जो आपने दर्शन किए श्री कैलाश मानसरोवर के, दर्शन किए बहुत अच्छे से दर्शन हुए? हर हर महादेव, हर हर महादेव। और सभी श्रद्धालु बहुत ज्यादा खुश हैं, और फ्लाइट के कैप्टन की तरफ से सभी श्रद्धालुओं को सर्टिफिकेट इश्यू किया गया है यात्रा के बारे में कि यात्रा कैसी रही। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत ये यात्रा थी हमारी। आनंद आ गया, परम आनंद आ गया भोले बाबा जी के दर्शन करके। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर हर महादेव। श्रद्धालु बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव, मनोकामना पूरी करे भगवान, यही सबसे प्रार्थना। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और पीछे हमारे देखिए फ्लाइट, हमारी चार्टर्ड फ्लाइट है ये। इस फ्लाइट के अंदर हम अराउंड 52 यात्री थे। चार्टर्ड फ्लाइट से आपको श्री कैलाश मानसरोवर के दर्शन करवाए जाते हैं। आप भी जल्दी से अपनी टिकट बुक करवाइए, सीट बुक करवाइए। रुद्रा हॉलीडे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की सारी डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जल्दी से कॉल कीजिए, अपनी बुकिंग करवाइए और आप भी दर्शन कीजिए। हर हर महादेव। मैंने कल, मेरे मतलब पायलट लोगों ने मेरे को बोला था कि कल उड़ाएंगे, उड़ जाएगा। कब के बोला, उड़ तो जाएगा, लेकिन मैंने पायलट लोगों को क्या बोला कि 75% क्लियर नहीं है। जो मेरा इन्फॉर्मेशन, मेरा ये ग्रुप ऑलरेडी दार्चिन में है, वो देरापुर में है, रशियन ग्रुप गया है वहाँ। मेरा गाइड, वो गाइड से मेरा कोऑर्डिनेशन हो रहा था कल, उसने बोला सर अभी क्लियर नहीं है, आप लेके मत आओ सर फ्लाइट में, आप लोगों का टेंशन हो जाएगा, मत लेके आओ। उसने मेरे बोलने के बाद मैंने रोक दिया कल। कल मैंने रोक दिया, इसलिए रोक दिया कि आप लोगों का दर्शन नहीं हो गया तो आप लोगों का फिर हम यहाँ आने के बाद चिल्लाएगा। आप तो बोलेगा हमारा इतना पैसा खर्चा हो गया, हमने भोले बाबा नहीं देखा करके आप लोग बोलेगा। मैंने राउत भाई को और रुपेश को बोला, रुपेश टोटल स्टॉप कर दो, जो भी हो एक्स्ट्रा ग्रुप लोग से मांगो या ना मांगो दे देगा, करो। लेकिन सोमवार का वेदर क्लियर है, इसीलिए सोमवार हम लोग उड़ाएंगे। तो लास्ट आवर में आगे जा गया, आज के दिन में पायलट बोल रहा था उतना क्लियर नहीं है, पायलट बोल रहा था मेरे को क्लियर नहीं है, क्या करना सर करके बोला। एक साइड अब मैंने हाँ उड़ा दो करके बोल दिया, तो फिर नहीं दिखा गया तो फिर वो टेंशन। फिर मैंने मेरा अपना गाइड को मैंने पूछा देरापुर में क्या है वहाँ का सिचुएशन, उसने बोला सर एकदम क्लियर है, उड़ाओ सर आ जाओ, एकदम क्लियर है 100%। तो उसके बाद आज फ्लाइट थोड़ा छूट गया, सब लोग ने अच्छा से देख लिया, यही सौभाग्य है आप लोगों का आशीर्वाद। हमारा अपना कंपनी आगे भी फिर आप लोगों का सेवा करने का मौका दीजिए, यही है ठीक है। कल के लिए एक दिन रुकना पड़ा, उसके लिए सॉरी, हार्डली मैं आप लोगों का सॉरी मांगता हूँ, क्योंकि आज अच्छा होना है। आज मंडे आप लोगों का दर्शन मिल गया, भोले बाबा का दर्शन मिल गया, इससे सौभाग्य, इससे बढ़िया बात मैं बोल ही नहीं सकता हूँ, ठीक है ना। चलो, हर हर महादेव। तो लीजिए, अभी हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं अपने होटल। अब होटल जाके सभी श्रद्धालुओं के साथ करेंगे थोड़ा नाश्ता, फिर लगभग 2 बजे के आसपास हम निकलेंगे लखनऊ के लिए। और सच में बहुत ज़्यादा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे दर्शन हुए। भोले बाबा जी का आशीर्वाद ऐसे ही सदा बना रहे। भोले बाबा आपकी सभी मनोकामना पूरी करें। बोलो हर हर महादेव। और फाइनली हम भोले बाबा जी के दर्शन करके वापसी होटल पहुंच चुके हैं। अभी सभी श्रद्धालुओं के साथ अब यहां पर करेंगे ब्रेकफास्ट। तो चलिए जी, अभी हम कर लेते हैं ब्रेकफास्ट, और बस भोले बाबा जी के दर्शन हो गए। सबसे जरूरी जो सुबह आंख खुलते ही सामने नजर आए वो भोले बाबा जी का सुंदर रूप था, और भोले बाबा जी के दर्शन कर लिए। अब दर्शन करने के बाद वापसी हम होटल पहुंच चुके हैं और अभी हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। आइए आप भी ब्रेकफास्ट कर लीजिए,
और ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर दोपहर के समय लगभग 2 बजे के आसपास हम लखनऊ के लिए वापस निकल पड़ेंगे। चलिए आपको भी ब्रेकफास्ट करवा लेते हैं, ब्रेकफास्ट कीजिए और ठंडा ठंडा वाटरमेलन जूस पीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दिन आए बार बार ये हजारों साल। देखिए आज दे ओ, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जो की हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझे को, जाने तुझे को खबर। जो भी हम तो जाने तुझको, जाने तुझको खबर कब हो। खीरी खीरी। आप रुपेश जी के बड़े भाई हैं कि छोटे भाई? छोटे हैं। ओके ठीक है, ठीक है। एक बार आप सभी स्टाफ मेंबर का, हमारी पूरी टीम की तरफ से दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव। और आप सभी के साथ, आप सभी के साथ ये जो 3 दिन हमने बिताए, ऐसा लगा कि हम अपनी फैमिली के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल वी आर फैमिली, बिल्कुल वी आर फैमिली। थैंक यू। हर हर महादेव। और देखिए आज हमारे रुपेश सर का बर्थडे है और इनके बर्थडे के दिन हमने श्री कैलाश मानसरोवर के दर्शन किए, इन्होंने भी बहुत ही सुंदर दर्शन किए। और आप सभी भक्तों की तरफ से भी, सभी श्रद्धालुओं की तरफ से हमारे बड़े भाई रुपेश जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में इनको बर्थडे विश करना ना भूलें, अपनी बेस्ट विशेस भेजिए, इनको बर्थडे विश कीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज हम अभी नेपाल में मौजूद हैं, श्री कैलाश मानसरोवर के दर्शन करके अभी आए हैं और अभी हम हमारे बड़े भाई रुपेश जी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हर हर महादेव। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर माय ब्रदर रुपेश जी। हैप्पी हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए सभी भक्त बहुत खुश हैं और भोले बाबा जी के तो दर्शन हो गए, बर्थडे भी सेलिब्रेट हो गया। इस यात्रा में दो दो बर्थडे सेलिब्रेट किए। एक जो बर्थडे था वो यश हमारे छोटे भाई का बर्थडे सेलिब्रेट किया और आज हम रुपेश जी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारे बड़े भाई जी का, जिन्होंने इस यात्रा को सफल बनाने में पूरी जी जान लगा दी और आखिरकार बहुत ही सुंदर दर्शन भक्तों को, श्रद्धालुओं को करवाए। रुपेश जी का दिल से धन्यवाद, जिन्होंने इस यात्रा को एक यादगार यात्रा बना दिया। भोले बाबा जी के बहुत ही सुंदर दर्शन सभी श्रद्धालुओं को करवाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। उम्मीद करता हूँ आपने भी घर बैठे देवों के देव श्री महादेव जी के दर्शन किए होंगे। बहुत ही सुंदर भोले बाबा जी ने सभी भक्तों को दर्शन दिए। हमारी यात्रा दर्शन करने के बाद संपन्न होती है। जो हम मन में एक कामना लेकर लखनऊ से चले थे कि भोले बाबा जी के हमें बहुत ही सुंदर रूप के दर्शन हो, तो भोले बाबा जी ने सभी भक्तों की ये मन की मनोकामना पूरी की और सभी भक्तों को बहुत ही प्यारे दर्शन दिए। अगर आप भी अगली श्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो आप रुद्रा हॉलीडे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अगली जो यात्रा जाने वाली है उसकी सीट बुक आप अभी से करवा लीजिए, क्योंकि कुछ ही सीटें अभी अवेलेबल हैं। जल्दी से फ़ोन करके अपनी सीट बुक करवा लीजिए और आप भी अगली श्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा में शामिल होकर भोले बाबा जी के दर्शन कर सकते हैं। रुद्रा कंपनी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ही इनका जो स्टाफ है बहुत ही कोऑपरेटिव स्टाफ है। लखनऊ से आपको इनोवा गाड़ी पिक करके चलती है, इनोवा गाड़ी से आपको, लखनऊ से आपको इनोवा गाड़ी दी जाती है जिसमें आप लगभग 4 घंटे का ट्रेवल करके पहुंचते हैं नेपालगंज। नेपालगंज पहुंचने के बाद आप 5-स्टार होटल, होटल सोल्टी में आप स्टे करते हैं, जहां पर आपको बहुत ही सुंदर रूम, खाना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर प्रोवाइड करवाया जाता है।
और नेक्स्ट डे फिर आपको श्री कैलाश मानसरोवर के दर्शन करवाए जाते हैं। इस यात्रा के दौरान आपको नेपालगंज के अंदर माँ बागेश्वरी शक्तिपीठ मंदिर भी ले जाया जाता है, जहाँ पर आप माता बागेश्वरी जी के दर्शन करते हैं। ये यात्रा बहुत ही सुंदर यात्रा होती है। हमारे साथ लगभग 60 से ज्यादा श्रद्धालु हैं, जिन्होंने आज 13 मई 2024 को सोमवार के दिन देवों के देव श्री महादेव जी के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। आप भी जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी से जल्दी अपनी टिकट बुक करवाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके अपनी सीट बुक करवा सकते हैं। रुद्रा कंपनी के सौजन्य से ये यात्रा करवाई जाती है और आप भी अगली श्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा में शामिल होकर भोले बाबा जी के दर्शन जरूर करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।